5 साल बाद एक बार फिर से मौका आने वाला है अपने मोहल्ले के नेता को चुनने का। हालांकि इस बार आपका नेता सिर्फ वार्ड पार्षद नहीं बल्कि उसके ऊपर की हैसियत भी रखेगा, क्योंकि चेयरमैन का चुनाव अंततः उसी के मत से होना है। ये मौका है कि हम मोहल्ले के मिलनसार सहयोगी, सुख दुख में साथ देने व काम आने वाले तथा आपकी परेशानियों को उठाने वाले शख्स को चुनने पर जद्दोजहद करते हैं। यद्यपि तारीख का ऐलान होना बाकी है, लेकिन वार्डों के आरक्षण के बाद चुनावी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। पेप्टिक टाइम अपनी खास प्रस्तुति मेरा मोहल्ला मेरा नेता के माध्यम से उन मतदाताओं को एक होमवर्क कराने की कोशिश कर रहा है जिन्हें आने वाले दिनों में वोट डालकर अपने मोहल्ले का नेता चुनना है। कैसी है आपके मोहल्ले की सियासत, क्या रहा आपके पार्षद का रिपोर्ट कार्ड और आने वाले नेता से क्या मांग रही है जनता, इस खास कार्यक्रम में आज चलते हैं छतरपुर जिले के वार्ड क्रमांक 39 में। चलिए सबसे पहले डालते हैं मोहल्ले पर एक नजर। वार्ड क्रमांक 39 की कुल आबादी की बात करें तो लगभग 10,000 की आबादी वाला ये वार्ड है, जो कि 3,000 मतदाताओं को समेटे हुए है। इस वार्ड में पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए ब्रजेश कुमार द्विवेदी, जो कि 71 वोट से विजयी हुए थे। छतरपुर के इस वार्ड में शिव कॉलोनी, सीताराम कॉलोनी, पठापुर रोड और चेतगिरी कॉलोनी का क्षेत्र आता है। वार्ड की प्रमुख हस्तियों में भाजपा नेता जयराम चतुर्वेदी, प्रमोद त्रिपाठी, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, गजेंद्र सिंह और गोपाल दुबे जैसे लोगों के घर हैं। ये लोग यहाँ निवास करते हैं। मेरा मोहल्ला मेरा नेता इस प्रोग्राम को हम अपने सहयोगी कैमरामैन संदीप यादव के साथ चलते हैं और जनता से पूछते हैं कि वार्ड नंबर 39 में जिसके वार्ड पार्षद हैं ब्रजेश द्विवेदी, इनके द्वारा किस तरह के क्या कार्य किए गए हैं, इनकी उपलब्धियां क्या हैं। और चलिए इसके बाद अब नजर डालते हैं वार्ड की प्रमुख समस्याओं पर। वार्ड वासियों के अनुसार वार्ड की समस्याओं में प्रमुख है पानी की समस्या। उनका कहना है कि टंकी तो बन गई पर पानी चालू नहीं हुआ, नाली की सफाई भी कम होती है और पानी भी गर्मियों में कई गलियों में नहीं पहुंच पाता। पानी की है सबसे ज्यादा समस्या वार्ड में। क्या पूरे छतरपुर में जो सबसे ज्यादा समस्या है वो पानी की ही समस्या है? पाइपलाइन बिछवा दी है, बाकी अभी पाइपलाइन बिछने के बाद अभी तक पानी नहीं पहुँचा है घरों घरों तक। सफाई नहीं होती है, यहाँ पर गंदगी पड़ी रहती है प्लाटों में अगल बगल में, झाड़ू भी दो चार दिन में कभी कभार लग जाती है। सबसे बड़ी बस है पानी की है, पानी की समस्या है, पानी गड़बड़ है। 90% जो नालियां हैं वो भी या तो चौक हैं या जगह जगह से टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से जितना भी बरसात में पानी होता है वो हमारे यहाँ पे घर के आसपास भर जाता है। पानी की भीषण समस्या हमारे वार्ड में है। अमृत जल योजना की जल्दी से जल्दी टंकी के द्वारा पेयजल सप्लाई करवाई जाए। आइए बात करते हैं वार्ड पार्षद ब्रजेश कुमार द्विवेदी की उपलब्धियों पर। 5 साल के हनुमान टोरिया पर जो टंकी बन रही है उसको मम्मी ने बनवाई है, जो पाइपलाइन पूरे वार्ड में बिछवाई दे और सीताराम कॉलोनी जो शेष बची है उसको भी हमने सेंक्शन करवा दी है, जो जल्दी जल्दी हो रही है। और सीताराम कॉलोनी में एक जो टंकी का निर्माण हो रहा है वो भी हमने करवाया है, जिसका काम थोड़ा दूर है वो चल रहा है। दूसरी बात, आप सीताराम कॉलोनी काली माता मंदिर कहीं भी चले जाए RCC नालियाँ सभी जगह बनवा दी हैं, WBM करवा दिए हैं और काली माता मंदिर साइड में 100 KV का ट्रांसफार्मर और लाइट के खंभे लगवा दिए, कुछ जगह के लिए हैं तो कुछ दिनों बाद लगने वाले हैं। से जो रह गए पठापुर रोड पे भी सब जगह CC की जितनी भी नालियाँ हैं वो सब करवा दी हैं, WBM करवा दिए हैं और कुछ CC कराए हैं। उपलब्धियों की अगर बात करें तो उपलब्धियों में CC रोड, RCC नाली निर्माण, सीताराम कॉलोनी काली माता मंदिर के पीछे लाइट के खंभे, 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर, पाइपलाइन, पानी की टंकी का निर्माण हनुमान टोरिया और सीताराम कॉलोनी में। जो हमारे वार्ड पार्षद हैं ब्रजेश द्विवेदी, नाली और दो टंकी और नल व्यवस्था बहुत अच्छा कार्य किया है। सड़क बनवाई, नाली नल की लाइन डरवाई और नाली आली बनवाई। हाँ, और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है इस वार्ड को बहुत कुछ देने के लिए, काफ़ी प्रयास किया है।
यहाँ पे सीसी वगैरह और पाइपलाइन जो लेके आए थे, शायद इस वार्ड में सबसे पहले पाइपलाइन डली है पूरे छतरपुर में, सबसे पहले पाइपलाइन इसी वार्ड से स्टार्टिंग हुई थी। बाकी रोड रोड समस्या, हर लाइट वाइट वगैरह खम्भों में झाड़ू वाड़ू भाई सब ने करवाया है समस्या। सड़क कड़क डर गई और नाली बन गई और वो कनेक्शन हो गया नल को। ना स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था हुई, ना ही कभी किसी भी प्रकार की झाड़ू लगाई गई है और पूरी तरह से बाढ़ में इतना कचड़ा रहा है, पूरी तरह बाढ़ उपेक्षित रहा है। ऐसा कि अब सार्वजनिक काम होने चाहिए, वो और पास से कोई उम्मीद रखता नहीं है कि वो नौकरी लगवाएगा कि कुछ करवाएगा, बस बाढ़ के काम होते रहे सबसे अच्छा है। बाल पार्षद में काम जो इतने काम करवाए हैं, रोड खोदे कर डाल दी है, पाइपलाइन पूरी खोद डाली है, ये पूरा रोड खोदा हुआ डाला है, दो दो टंकी बन गई, पानी की कोई समस्या है सॉल्व नहीं हुई है, क्या होता है ऐसे बताइएगा काम के लिए। ये साफ़ सफाई पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया वार्ड में, बाकी नालियों में कचड़ा अचड़ा जमा रहता है, बरसात में ब्लॉक हो जाती हैं नालियाँ और असंतुष्ट का जिस कुछ कार्य ऐसे किए हैं जिससे पूरी जनता असंतुष्ट है। नालियों की सफाई नहीं हुई है, रोड हर जगह गंदगी है, बरसात में ऐसा लगने लगता है जैसे पूरे में नालियाँ ऊपर से बहने लगती हैं। खम्भा सामने खम्भा ही नहीं है ना, का खम्भा होते तो कम से कम रोड में लाइटें होती। काम हुआ तो नहीं है वैसे अभी तक, पाइप लाइनें डल गई लेकिन पानी अभी तक नहीं आया। इन 5 सालों में लगभग 5 बार ये नाली साफ हुई है हमारी, और उसके अलावा तो मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं वार्ड मोहल्ले में घूमते हुए। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है पानी की, हमारे जो वार्डवासी हैं वो परेशान हैं। पानी की लाइन और टंकी तो छोड़िए, आप जो हेडपम्प लगे हुए हैं उनका भी सुधार नहीं है। अगर 15 हेडपम्प लगे हैं तो उसमें से 10 से ज़्यादा खराब पड़े हुए हैं। वार्ड के अगर दावेदारों की बात की जाए तो इसमें कुछ नाम जो निकल कर सामने आए हैं उसमें अमित चतुर्वेदी, अंजना त्रिवेदी, अजय बिंदुआ, राजेश तिवारी और अनूप तिवारी प्रमुख हैं। युवा, मैं स्वयं एक दावेदार हूं वार्ड नंबर 39 से पार्षद का। यदि आप पार्षद पद के लिए, एक तो अंजना त्रिवेदी है। समय अंजना त्रिवेदी जी वार्ड नंबर 39 की अच्छे दावेदार हैं। मेरी नज़र में अभी सचिन तिवारी जी हैं पार्षदी के लिए और विधुआ जी हैं अपने पार्षदी के लिए। वो हम ऐसे ही वार्ड पार्षद चाहेंगे जो हमारा कार्य जिस तरह से ब्रजेश द्विवेदी ने किया है। प्रेजेंट में तो वही चेहरा सामने है जो काम कर रहा है, और ब्रजेश द्विवेदी अच्छा पार्षद है इस वार्ड के। उम्मीदवार बिट्टू और अजय बिंदुआ और अशोक मिश्रा। हमारे मोहल्ला में सबसे बढ़िया महिला प्रत्याशी है हमारे त्रिवेदी जी की मैसेज। वार्ड नंबर 39 से अंजना त्रिवेदी, वार्ड नंबर हो जाए। ये कि अजय बिंदुआ एक नया नाम है और वो हम लोगों से घुले मिले भी हैं। ये यहाँ पे जी चौबे जी है अमृत पंडित। हाँ, हमारी नज़र में तो अंजना त्रिवेदी बहुत अच्छी। वार्ड नंबर 39 अंजना त्रिवेदी। आगामी चुनाव में जो भी नया पार्षद अपने आप को दावेदार बता रहा है उसके सामने पानी के पाइपलाइन और पानी चालू कराने की सबसे बड़ी चुनौती सामने होगी। वहीं खुली पड़ी नालियों को बंद करना और बड़े कुएं में हो रहे हादसों को रोकने की जिम्मेदारी भी उसके सामने एक चुनौती की तरह होगी। आइए जानते हैं जनता की अपने नए पार्षद से क्या उम्मीदें हैं। जो सब काम करें, बे भी करा तो यह सोचाने के जिम्मे एक देर की सुने, निष्पक्ष हो और आम पब्लिक की जो समस्याओं को सुने, जो कार्य अच्छा करे वही नेता सबसे बढ़िया रहता है। अच्छा पार्षद चाहेंगे जो सफाई वफाई कर सके, करवा सके, यहाँ पर विकास कर सके वार्ड का। तो ये था वार्ड क्रमांक 39 का पूरा रिपोर्ट कार्ड। पेप्टिक टाइम की इस खास प्रस्तुति मेरा मोहल्ला मेरा नेता में हम फिर हाजिर होंगे एक नए रिपोर्ट कार्ड के साथ, एक नए वार्ड के साथ, और जनता के बीच उनकी समस्याओं को लेकर अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से दिखाएंगे। नमस्कार।